खत्म, साइकिल ही पंचर हो गया, अब दिमाग मेरा खराब हो रहा है। तो अंकल अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम करण छेत्री। करण छेत्री, आप कहाँ से? नेपाल। अच्छा अच्छा नेपाल से। अंकल नेपाल से इसलिए तो हिंदी बोल रहे हैं, नहीं तो इधर का लोग कहाँ इतने अच्छे से हिंदी बोलते हैं। तो जो भी अंकल ने देख सकते, खाना ऑफर किया था अभी, वन प्लस का स्टोर था ये, तो यहाँ पर आया और हेडफोन मस्त ले चुका हूँ, तो यही पे अनबॉक्सिंग कर लेते। तो जय हिंद जय शरम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 91 और कल रुका हुआ था इस एक मंदिर में, देख सकते हो एक मंदिर था, तो इधर ही अपना मस्त टेंट पेंट लगा लिया था। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, मैंने सोचा था कि आदियों की जो शिप टेम्पल है उधर ही कैंपिंग शैम्पिंग करूँगा मस्त। तो रात की 9 बजे तक बैठा हुआ था, फिर उधर टेंट लगाने की जगह नहीं मिला, रात 9 बजे बोल दिया यहाँ पर नहीं रुक सकते हो, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है सिक्योरिटी के अलावा, और कोई भी नहीं रहता है वहाँ पर। तो मैं डर गया था कि 9 बज गया, अब कहाँ जाकर टेंट लगाऊंगा, क्या करूँगा, बट भगवान की दुआ से थोड़ा सही आगे आया, एक टेंपल मिल गया, तो इधर ही मस्त अपना टेंट फेंट लगा लिया था। तो जो भी है एकदम अच्छे से, बट अभी निकलने का टाइम हो गया सुबह सुबह, और बारिश देखो कितना तेज़ी का हो रहा है, देख सकते हो। और टाइम जो है ना 7:29 हो चुका है, और रात में नींद भी इतना अच्छा है ना आप लोगों को क्या ही बताओ, एकदम जैकेट पैकेट लगा लिया, देख सकते हो। तो मस्त एकदम ठंडी में ना बहुत अच्छा लगता है, टेंट के अंदर पूरा नॉर्मल एकदम गर्मी जैसा लगता है, तो बहुत मस्त। तो देखते हैं अभी बारिश रुकने का इंतजाम करते हैं, तब तक मैं कैंपिंग शैम्पिंग पैक कर लेता हूँ मस्त। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, साइकिल साइकिल पैक कर दिया, मैं भी पैक हो चुका हूँ, और टाइम देख सकते हो 9:01 हो गया, और बारिश हो ही रहा है धीरे धीरे करके, तो थोड़ा सा अभी कम हुआ है, तो इतने बारिश में निकलते हैं आगे, शायद क्या पता नहीं हो रहा होगा बारिश, इधर हिल साइड है तो इसकी वजह से हो रहा है, तो अभी ऐसे निकलते हैं। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को करते हैं स्टार्ट, और मैं अभी डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा हूँ मायासुर के लिए। मायासुर का जो दूरी है लगभग 230 किलोमीटर होगा यहाँ से, और मेरे को कोयम्बटूर सिटी होके जाना पड़ेगा, तो फिलहाल जा रहा हूँ सिटी की तरफ कोयम्बटूर। तो देखते कहीं पे चाय शाय पीते हैं, सबसे पहले सुबह का 9 बज चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं खाया, भूख भी लग रहा है मेरे को बहुत तेज़ी का, तो चलते रहते हैं। और बाकी नारियल का पेड़ देखो कितना सुंदर है साइड में, इधर नारियल का और इधर सुपारी का वैसा, तो अभी चलते रहते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी खींचते हैं थोड़ा सा साइकिल, बहुत तेज़ी में बारिश होना चालू हो गया दोबारा। साइकिल चलाने के बाद आप जाके रुका हो थोड़ा चाय पीने के लिए, देख सकते हो चाय समोसा और ये बड़ा है लिया, और बारिश ऐसा हो रहा है ना, हो भी नहीं रहा ऐसा हो रहा है, मतलब दिमाग खराब कर रहा है बारिश एकदम पूरा, देख सकते हो मौसम। तो मस्त अभी से चाय को पीते हैं, तो चाय भी पी के मस्त निकल चुका हूँ, और बारिश ऐसा हो रहा है, हो भी रहा है ना भी हो रहा है ऐसा करके बारिश हो रहा है, देख रहे हो धीरे धीरे सब गिल्ला हो रहा है, और मेरा सब एकदम कीचड़ पीचड़ से पेंट रहा है सब। तो जो भी है अभी कोयम्बटूर का दूरी रह गया कुछ 17 किलोमीटर, तो पहुँचते ही वहीं पे। तो फाइनली आके मैं कोयम्बटूर सिटी में एंटर कर चुका हूँ, और यहाँ पर देखो इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना आप लोगों को क्या ही बोलो। तो जिस काम के लिए मैं आया हूँ सिटी में, तो वो काम कर लेते हैं पहले, नहीं तो मैं डायरेक्ट बाईपास होके वो मायासुर का रोड पकड़ सकता था, लेकिन एक एयरफोन खरीदना है मेरे को यहाँ पर। वो जो अंकल ने एयरफोन गिफ्ट किया था वेस्ट बंगाल से, वो हेडफोन जो है ना ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह से मेरे को नया हेडफोन लेना पड़ रहा है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा नया हेडफोन लूंगा, क्या करूंगा, तो सबसे पहले दुकान के पास पहुंचते हैं। तो एयरफोन लेने आया था देख सकते हो वन प्लस में, बट जो मॉडल मेरे को चाहिए वो मॉडल है नहीं यहाँ पर, और प्लस थोड़ा महंगा भी है, तो एक दूसरा और एक है, देखते हैं वहाँ पर जाके क्या होता है, वो क्रोमा है उसके अंदर ही मिल जाएगा, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर जाके। कुछ 5 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, और जिस रोड से मैं मायासुर जाऊँगा उसी रोड में मिलने वाला है, तो चलते हैं वही पे। जो हेडफोन मेरे को लेना था वो मिल चुका है, ये देख सकते हो वन प्लस का स्टोर था ये, तो यहाँ पर आया और हेडफोन मस्त ले चुका हूँ, तो यही पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका खोल के, देखते हैं कैसा। जो मेरे को चाहिए वो मिल गया देख सकते हो, नाम है इसका वन प्लस बुलेट जेट, सॉरी वायरलेस जेट 2 है इसका, देख सकते हो कुछ 1500 का है, वैसे 2000 का है, कुछ 5000 का डिस्काउंट लगाया, तो अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसा। तो अनबॉक्सिंग हो चुका है, और ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, ब्लैक कलर का लिया मैंने, और इसके साथ में वो जो केबल फेबल वही सब आता है। तो अभी चलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं। वो हेडफोन वगैरह लेके बाहर आ चुका हूँ, और हेडफोन का जो प्राइस पड़ा मेरे को 1500 रुपये पड़ा, और वैसे हेडफोन 2000 रुपये का है, थोड़ा वो डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे दोनों जगह पे, तो इसकी वजह से 1500 रुपये का पड़ा, मतलब जो 1500 रुपये लेता है एकदम वर्थफुल है। अगर ऐसा तो हेडफोन 500 में भी आ जाता है, 250 में भी आ जाता है, 300 में भी आ जाता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ नॉर्मल कॉलिंग फॉलिंग करते हैं उनके लिए ठीक है, बाकी जो लोग वीडियो शीडियो एडिटिंग फिर एडिटिंग करते हैं
उनके लिए वो सब हेडफोन ठीक नहीं है। जो हेडफोन मेरे को गिफ्ट किया था अंकल ने, वो 500 रुपए का एक हेडफोन था, तो वो हेडफोन दो तीन दिन बाद बाद ख़राब हो जाता था, ठीक करता था तो आप लोगों को दिखाता ही था। तो अब थोड़ा बहुत पैसा उसे जमा करके मैंने घर से भेजा, तो अब जगह ये हेडफोन मैंने ले लिया। आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि विदाउट मनी ट्रैवल कर रहे हो तो इतना महंगा हेडफोन ले लिया, ये ले लिया। हमेशा कुछ भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करो तो हमेशा थोड़ा पैसा भर के अच्छा ब्रांड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। देखो वन प्लस ब्रांड एक अच्छा ही है, सबको पता है, तो इसके वजह से जो भी इन्वेस्ट करना है पैसा, हमेशा एक ब्रांड के ऊपर अच्छा क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो। थोड़ा दिन बेशक सब्र कर लेना, एक इस महीने पे नहीं अगला महीने पे ले लेना, लेकिन हमेशा अच्छा चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट किया करो। तो जो भी है अभी अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं। टाइम जो है ना 1:17 हो चुका है, तो लंच टाइम भी है, तो देखते हैं कहीं पे खाना वाना खाते हैं मस्त। अभी हेडफोन लेके बस निकला ही था तो ये अंकल मिला, देख सकते हो। अंकल अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम करण छेत्री। करण छेत्री आप कहाँ से? नेपाल से। अच्छा नेपाल से, अंकल नेपाल से इसलिए तो हिंदी बोल रहे हैं, तो इधर का लोग कहा इतना अच्छे से हिंदी बोलते हैं। तो जो भी अंकल ने देख सकते हो खाना ऊपर किया, तो अभी यहाँ पर खाना खाने आया हूँ, तो देखते हैं खाने पे क्या मिलता है। तो खाने के लिए मिल गया मस्त, देख सकते हो बिरयानी है, एक बिरयानी, तो मस्त खाते हैं अभी। खाना पीना मस्त हो चुका है और अंकल अभी जा रहे हैं। बाय बाय अंकल, बाद में मिलेंगे नेपाल में। नेपाल में घर है अंकल का, तो जो है अभी चलता रहता हूँ मस्त। तो अंकल को अभी बाय बाय बोल के निकला ही था, देखो सीन क्या हो गया, एक तो बारिश हो रहा है और प्लस दोबारा ये देखो ख़त्म, साइकिल ही पंचर हो गया। अब दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है, इतना क्या ही बोलूँ। तो अभी देखते हैं पंचर वंचर बनाते हैं साइकिल को, इधर अच्छा जगह मिल गया तो इधर सब सामान अनलोड करते हैं और बनाते हैं पंचर को। तो साइकिल पंचर बना चुका हूँ, ये देख सकते हो सामान वगैरह सब इधर खुला हुआ है, हाथ उत देखो, और इन भाई ने हेल्प किया थोड़ा बहुत आके, मस्त देख सकते हो पंप कर रहे हैं मेरे साथ में। दो जने रहते हैं थोड़ा हेल्प, मतलब एक जने से थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि नया खिलाड़ी है, हम पक्का खिलाड़ी तो है नहीं। जो भी है कैसे वैसे करके बना दिया मस्त देख सकते हो। तो अभी सब दोबारा बैक चेक करते हैं। पंचर वगैरह बना के मस्त निकल चुका हूँ और टाइम कुछ 3 बज चुका है और मायासुर का जो दूरी है 185 किलोमीटर रह गया, 2 दिन और लग जाएगा। और फिलहाल जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ यह है NS 948, यही पहुँचाएगा मेरे को डायरेक्ट कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर तक। आज तो साइकिल चलाने ही नहीं दिया, एक तो बारिश, एक तो साइकिल पंचर, और जहाँ पर हेडफोन लेने गया था वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया, तो अभी साइकिल पे खींचते हैं फटाफट, बारिश तो हो ही रहा है अभी भी थोड़ा। सभी मैं साइकिल चला के जा ही रहा था और यहाँ पर दो भैया मिला, ये देख सकते हो। भैया अपना नाम बता दो। रंजीत कुमार। और आपका? हाँ विवेकानंद। विवेकानंद, तो देख सकते हो मस्त साई साई मिला रहे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो। तो मस्त अभी पीछे करके आप लोगों को थैंक यू बहुत ज़्यादा। आप लोग कहाँ? तमिलनाडु सर। तो चाय शाय पी के मस्त निकल चुका हूँ और भैया लोगों ने एक बिस्कुट भी पैक करा के दे दिया। तो अभी मस्त चलते रहते हैं और अंधेरा टाइप का हो रहा है मौसम, देख सकते हो अभी 5 भी नहीं बजा। बाय बाय भैया। तो भैया लोग भी चला गया, तो अब मैं भी राइड को कंटिन्यू करता हूँ। बाय बाय। साइकिल चलाते चलाते शाम का टाइम कुछ 5:32 हो चुका है और मेरे को रहने बहने के लिए जगह वगैरह मिल चुका है, ये देख सकते हो। ये सर था, सर अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम मोहनराज। मोहनराज, और आपका? मेरा नाम चंद्रू। तो सर यहाँ पेट्रोल पंप का ऑनर हो ना, इधर पेट्रोल पंप का ऑनर है, तो इधर अलाव वगैरह कर दिया मेरे को रहने के लिए, इधर टेंट मस्त अपना लगा लेंगे, तो टेंट फेंट लगाते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो नहा धो के मस्त फ्रेश हो चुका हूँ और टेंट फेंट भी अपना लगा लिया और अब जा रहा हूँ खाना खाने। उधर पास ही में एक दुकान है तो उधर ही जाके मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। खाना खाने आया था और खाने के लिए मिला देखो तो मस्त फ्राइड राइस, तो इसे ही मस्त खाते हैं अभी। तो खाना पीना खा के मस्त आ चुका हूँ, कुछ 60 रुपीज़ खर्चा हुआ खाने पे, और मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। डे 92 भी जो है ना इसी ब्लॉग में मैं जोड़ूंगा, तो मिलते हैं कल सुबह।